हे गाइस, वेलकम बैक टू बिक्रम ट्यूटोरियल। आज से मैं आप लोग को एक सीरीज देना चाह रहा हूं, एनटीपीसी जो प्रीवियस ईयर 2016 में जो क्वेश्चन आया है मैथ का, एक सीरीज में रेगुलर लेके आऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप एनटीपीसी आराम से क्रैक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कंटिन्यू अब मेरे चैनल पे देखना है एनटीपीसी प्रीवियस ईयर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ और मैं लिखते जाऊंगा और बताते चलूंगा, तो ध्यान पूर्वक देखेंगे। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आया हुआ था, 0.14 का होल स्क्वायर माइनस 0.11 और बाय 1.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.13 बाय 1.3 का होल स्क्वायर बराबर व्हाट। और आपका ऑप्शन है 1.01, बी नंबर ऑप्शन है 0.001 एंड सी ऑप्शन है 0.10 और डी ऑप्शन है 0.01। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, स्पीड में आप मेरे साथ बनाइएगा और जो भी ऑप्शन होगा आप तुरंत तुरंत चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं पॉज कर करके। तो देखिएगा क्या है, कैसे बनाना, इसको अटेम्प्ट कैसे करना। देखिए माइंड में भी कर सकते थे आप, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं M1। देखिए M1 का मतलब मेथड 1, आप बहुत सारे मेथड लगा सकते हैं लेकिन मैं मेथड 1। देखिए यहाँ पे भी देख रहे हैं चौकदा, यहाँ दशमलव उड़ा सकते हैं, यहाँ पे भी दशमलव उड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नीचे में 1 0 आ जाएगा। क्लियर। अब जैसे ही नीचे में क्लियर हो जाएगा तो इसी प्रकार सभी में होगा, तो इसका मतलब ये 14 दही 140। अब इसी प्रकार यहाँ पे भी हो जाएगा 1/10, यहाँ पे भी हो जाएगा 1/10। तो दैट मीन्स 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का स्क्वायर और प्लस 1/10 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, जैसे ही हो जाएगा तो सब में हो जाएगा। देखिए 1/100 प्लस 1/100 माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे हो जाएगा 1/100। तो जैसे ही हो जाएगा यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, और 1/100 हम लोग जानते हैं 0.01। तो गाइस एकदम सिंपल है, आप मुंह से भी कर सकते थे। देखिए जैसे 1/10 और माइनस 1/10 हो गई तो कट गया, लेकिन 1/10 का स्क्वायर, दैट मींस 1/10 का मतलब होता है 0.1। अब 0.1 का स्क्वायर करते हैं तो 0.01, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2016 के प्रीवियस ईयर में देखिए फर्स्ट स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 26/4/2016 शिफ्ट 1 में यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। अब दूसरा क्वेश्चन में आया हुआ है 3, 1, 4, 6, 5, 7, 3, 8, 1, 4 डाटा का रेंज बताइए, का रेंज बताएं। तो ऑप्शन है आपका 3 ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन में 8 है, तीसरा ऑप्शन में 7 है और चौथा ऑप्शन में गाइस 6 है। तो रेंज, सबसे पहले रेंज का हिंदी परास होता है और रेंज को भी कभी कभी रेंज ही लिख देता है, तो ध्यान रखना है। रेंज का अगर आपको बताना है तो रेंज बराबर फॉर्मूला होता है अधिकतम माइनस अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। और अधिकतम आपको इस डाटा में क्या दिख रहा है, तो अधिकतम आपको डाटा में दिख रहा सबसे बड़ी जो संख्या है वो है आपका 1 और माइनस न्यूनतम मान इसमें आपको क्या दिख रहा है 1, तो दैट मींस का जो रेंज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7 गाइस। तो एकदम बहुत ही सिंपल और ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि कभी भी रेंज निकालना हो तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आपको अधिकतम मान देखना है, न्यूनतम मान देखना है, रेंज को ही परास कहते हैं। कभी परास पूछ देगा कभी रेंज पूछेगा। इस प्रकार से मैं आपको हर दिन इसी प्रकार में वीडियो लेके आऊंगा प्रीवियस ईयर का और उसमें बहुत सारी चीजों को बता भी दूंगा, जिससे कि आप नेक्स्ट कोई सवाल अगर इस तरह का सवाल आए तो आप आसानी से बिना आप कलम चलाए भी आप बना सकते हैं। आपको सोचना ज्यादा नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ वीडियो को लगातार कंटिन्यू देखना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आया है और ना ही रेलवे में उतना टफ क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। और तीसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है 64 × 5^4 और −5^4 × 16। तो गाइस आप इसको देख के भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ऑप्शन में दे देता हूँ। ऑप्शन है 40,000, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है 35,000, तीसरा ऑप्शन आपका है 30,000 और चौथा ऑप्शन है आपका 25,000। तो गाइस ये ज्यादा सवाल टफ नहीं है, आप गुना भाग ज्यादा कर सकते हैं लेकिन आपको करना नहीं है, आपको देखते ही आंसर बता सकते हैं। हम कैलकुलेशन करने कभी भी आप लोगों को नहीं बोलते हैं, कोशिश करना है माइंड में ऐसा फिट हो जाए कि आप किसी भी सवाल को सेकंड में बना सकते हैं। तो सेकंड में बनाने के लिए देखते हैं सबसे पहले कॉमन क्या है इस दोनों में। तो कॉमन देखिए 5^4 है गाइस, और साथ ही साथ देखिए कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, तो जैसे में 5^4, 5^2 यहाँ पे भी है। आप देखिए यहाँ पे 16, इसमें 64 में भी 16 16 64, इसका मतलब गाइस यहाँ पे 16 भी है। अब क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ पे बच गया आपका 4 और यहाँ पे तो सारा कॉमन आ चुका है, इसका मतलब बच गया 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5^4 का मतलब क्या होता है, तो क्या हो जाता है सबसे पहले हो जाता है 5, देखिए 5 का क्यूब होता है 125, और उसके बाद भी 125 625, और इंटू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 इधर कितना हो जाएगा 3। तो गाइज आपको क्या करना है, 16 से गुना कर देना, 48 को गुना करना है, फिर ऐसा नहीं करना है, 16 5 80 और 80 हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा शेष 16 2 32 और 8 40 हाथ में हो जाएगा, 4 हाथ में, और 16 6 96 4 आपका क्या हो जाएगा 100, और 10,000 × 3 क्या होता है गाइस 30,000, और 30,000 इसका क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको गाइस इतना लंबा नहीं करना है, आपको फिर बोल रहा हूं कि सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन करना है। और मेरा जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं मैथ का, वो प्रीवियस वीडियो देखिए, मैं अच्छे से डील किया हूँ, टफ टफ सवाल को मैं डील किया हूँ। तो याद रखना है, घबराना कभी नहीं है मैथ में, मैथ बहुत ही आसान है, सिर्फ और सिर्फ गाइस विक्रम ट्यूटोरियल चैनल को फॉलो करना है। और किस किस चीज पर मैथ का टॉपिक आप लोग बताइए, उस टॉपिक बाय टॉपिक में सवाल को लेके आऊंगा। और देखिए गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, और मैं ज्यादा बात फालतू बात नहीं करता हूँ, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात करता हूँ। बहुत सारे चैनल में आपको फालतू फालतू बहुत सारा बात टाइम वेस्ट कर देता है, लेकिन मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम का कीमत क्या होता है। तो गाइज आप लोगों को क्या करना है, विक्रम ट्यूटोरियल के चैनल को और भी दोस्तों तक तो फैला देना है, और मेरा वीडियो को पूरा देखना है। मैं प्रीवियस एनटीपीसी में इतना अच्छा से सॉल्व कर दूंगा कि गाइज आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपका सारा मैथ बन जाएगा। तो आप लोगों को सिर्फ पेशेंस रखना है, ध्यान देना है, ठीक है गाइस। हम 3 क्वेश्चन अभी सॉल्व कर दिए, आज हम लोग क्या करेंगे, आज तो एनटीपीसी का पहला दिन है प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन का, तो आज हम लोग क्या करेंगे 10 मिनट यानी 10 क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर अच्छा वीडियो लगा और आप समझ पाते हैं बेटर वे में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो और आप अधिक से अधिक कमेंट करेंगे, तब मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का अच्छे से सॉल्यूशन आपका, देखिए डायरेक्ट टू डायरेक्ट, देखिए ये प्लेटफॉर्म का ये बुक है, इससे मैं क्वेश्चन आपका प्रीवियस इसके अंदर में है। और देखिए गाइस मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन भी नहीं है, देखिए ये क्वेश्चन है सिर्फ, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कितने अच्छे वे में समझा सकता हूँ। तो गाइस आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पूछा है आपका गाइस, आपका गाइस किधर है क्वेश्चन, आपका है इधर और भी इधर है, अभी खोजना पड़ता है। हाँ, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग योग दिया हुआ है गाइस 55, और उनका अंतर दिया हुआ है 9, उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उनका गुणनफल ज्ञात करें। ऑप्शन गाइस है आपका 754, ऑप्शन है आपका 736, ऑप्शन है 745 और ऑप्शन है 802। तो आपको देखिए इस तरह के सवाल बनाने के लिए बहुत बहुत लोग लेंथी बताते हैं, बहुत लोग एकदम छोटे में बता देते हैं। तो मैं जितना भी टाइप होगा उसके अंदर में जितना भी आंसर बनाने का ट्रिक होगा मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले M1 यानी मेथड 1 में जैसा कि क्वेश्चन जैसा बोलता वैसा करते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक है गाइस, तो इसका मतलब एक धनात्मक पूर्णांक एक्स ले लेते हैं, दूसरा धनात्मक पूर्णांक वाई ले लेते हैं, और दोनों का योग का मतलब एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ है 55,
आप आराम से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, आप उनका अंतर दिया हुआ, अंतर दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ गाइस, 9। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स और वाई निकाल लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो आप क्या करते हैं, पहले हम लोग एक्स को निकाल लेते हैं, यानी 2x बराबर हो जाएगा 55, 9, 64, और इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा 32। उस अब एक्स का मान हम लोग रख देंगे यहाँ पे, तो वाई का मान निकल जाएगा 55 में 32 जाएगा, तो 8 और 15 कितना होता है, 15 8 23, तो गाइस हो जाएगा 23। आप दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, यानी एक्स और वाई का गुणनफल पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 32 गुने 23, और 23 दुना होता है 46, और 46 देखिए, 6 देखिए, सबसे पहले यूनिट डिजिट भी ध्यान दीजिएगा, तो आपको यूनिट डिजिट जैसे ही ध्यान दीजिएगा, 6 आपका ऑप्शन में एक ही है, इसका मतलब 736 हो जाएगा। अब 23 में 46 हो गया, हाथ में 4 हो गया, 23 से 69 4 73 हो गया गाइस, तो इसका मतलब 736। तो आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, बात को आप गहराई से समझ पाते होंगे, जो भी मैं बोलता हूँ उसको अच्छे से वे में समझाता भी हूँ। तो जितने भी चाहे वो विद्यार्थी, देखिए ये सिर्फ एनटीपीसी के लिए सिर्फ फायदेमंद नहीं होगा, ये आपके आर्मी, ये आपके एयरफोर्स, ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम, लेकिन आपको सिर्फ ये करना है कि हर एक एग्जाम में आप इंपॉर्टेंट हो गया है, टाइम टेकिंग, आपको क्या करना, देखते ही सवाल बना सकते थे। तो सवाल कैसे बनाते, देखते देखते, तो यहाँ पे जैसे ही देखिए गाइस, M2 लगाते हैं, क्या लगा देते हैं, M2। तो मन में ही हम क्या कर देंगे, एक तरीका होता है, x+y तो हो गया 55, और x-y क्या हो गया आपका 9। तो संख्या निकालने का एक ट्रिक होता है कि x को हमको निकाल देना है, तो ये दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये a कहलाता है, तो इसका मतलब हम लोग a+b/2 फॉर्मूला हो जाता है, ये a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं, तो a+b/2 हो जाता है, y का फॉर्मूला है a-b/2। तो मन मन में कर सकते थे, 55 में 9, 55 में 64, 64 का आधा 32, यानी x का मान 32 हो जाता, और y का मान अंदर अंदर ही करते, 55 में 9 गया तो क्या बच गया आपका गाइस, आपका बच गया 46, और 46 का आधा कितना हो जाएगा आपका 23। तो मन मन द्वितीय जैसे ही किया यूनिट डिजिट देखने के बाद, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस आपको एकदम क्या करना है, बिना कलम चलाए आपको स्पीड में करना है। तो ये 4 क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ज्यादा आपको टफ लगता ही नहीं होगा एनटीपीसी, तो कोई भी एग्जाम ऐसे टफ नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। और देखिए, मैथ अगर समझ में नहीं आता होगा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो दिया हुआ सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है p=-4 और q = दिया हुआ है q = -6 के लिए, इसके लिए क्या करना है, p-2q का होल स्क्वायर का मूल्यांकन करना है, का मूल्यांकन, मूल्यांकन कीजिए, तो मूल्यांकन कीजिए। इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है 96, ऑप्शन दिया हुआ है 64, और ऑप्शन दिया हुआ है 144, और ऑप्शन दिया हुआ 72। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा गाइस, देखिए एक ट्रिक मैं बता देता हूं, कि सबसे पहला तो आप दो ऑप्शन से भी छांट सकते हैं, क्या कर सकते हो, ऑप्शन से कैसे छांटिएगा, तो सबसे पहले गाइस देखिए, किसी का देखिए स्क्वायर निकालना है, तो किसी का स्क्वायर अगर स्क्वायर ही होना चाहिए, तो 96 हम देख रहे हैं किसी का स्क्वायर नहीं है, ऑप्शन छट गया, 72 किसी का स्क्वायर नहीं है गाइस, तो ये भी ऑप्शन छट गया। अब आपको डिसाइड करना है दो ऑप्शन में, यानी 64 हो सकता है या तो 144 हो सकता है। अब पी का मान देखिए, अंदर अंदर ही सोचेंगे, पी का मान -4 रख देंगे गाइस, और माइनस यहाँ पे पहले रखेंगे, और क्यू का मान -6, दैट मींस माइनस माइनस क्या हो जाएगा गाइस, 6 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 × 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर तुरंत यहाँ पे 12 का स्क्वायर नहीं कर देना, 12 में 4 गया 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो आप मन में भी कर सकते हैं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपको कैसा लग रहा है मैथ, और क्या आप समझ पाते हैं बात को, क्या आपको क्या दिक्कत लग जाता है मैथ में, ऐसा क्या जो भारी लगता है आपको, वो मुझे बताइए। मैं मैथ को इतने इजी वे में लाऊंगा कि आपका चाहे कितना भी कमजोर दोस्त हो, वो दोस्त आपका आराम से एनटीपीसी या कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएगा। तो आपको क्या करना है, विक्रम ट्यूटोरियल का वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है, कमेंट ये नहीं कि एक ही बंदा 10 कमेंट कर रहा है, वैसा नहीं, अभी अब सारे दोस्तों, अलग अलग दोस्त अगर कमेंट करता है, और अगर अच्छा वीडियो लगता है, मतलब समझ में आता है, तभी मैं ये वीडियो लाऊंगा, अदरवाइज मैं दूसरे तरह का वीडियो लाऊंगा, आपके डिमांड पे ही मैं वीडियो लाऊंगा। तो आप लोग देखिए, 5 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर दिए,
अब पांच क्वेश्चन सॉल्व किया, अब छठे नंबर पे बढ़ते हैं, और टाइम नहीं लेना है ज्यादा, फास्ट में चलना है। अब ज्यादा जैसे ही आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल, बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ऑप्शन आपका है, ऑप्शन दिया हुआ 169, ऑप्शन आपका है 338, ऑप्शन है आपका 507, और ऑप्शन है डी आपका 676। तो गाइस मैंने पहले भी बोला, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, दैट मींस कि किसी भी का स्क्वायर होने पर, यानी स्क्वायर ही आएगा। तो गाइस 338 किसी का भी वर्ग नहीं होता है, ऑप्शन कट गया आपका। 507 किसी का भी वर्ग नहीं होता है, ये भी कट गया। अब गाइस आपका बचता है ऑप्शन 676 और ऑप्शन बचता है 169। तो देखिए हम सबसे पहले वृत्त की परिधि पर बने हुए, तो वृत्त की परिधि पर देखिए बना हुआ है, क्या बना हुआ है, देखिए वृत्त है ये, और पर इसको क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि, ध्यान रखिएगा गाइस। और इस परिधि के बाहर बना हुआ, परिधि पर बना है वर्ग, क्या बना है आपका, वर्ग बना हुआ है। तो जैसे देख पा रहे हैं गाइस, देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आपको ये देख पा रहे होंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा, या क्या हो जाएगा गाइस, भुजा हो जाएगा। तो आपको क्या करना, जैसे भुजा हो गया, तो आप भुजा जैसे ही देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या दिया हुआ 13, ये क्या दिया हुआ गाइस, 13, तो ऑटोमेटिक 13 ये हो गया। तो वर्ग का भुजा देखिए यहाँ से यहाँ पे, देखिए भुजा ही है ये वाला भी, सब ये सब बराबर है, तो जैसे 13 हो जाएगा तो ये भी गाइस हो जाएगा 13, और 13 13 कितना हो जाएगा, 26, यानी भुजा का मान कितना हो जाएगा, और 26 का स्क्वायर होता है 676, आपको करने की आवश्यकता नहीं। तो आपको 13 का स्क्वायर नहीं कर देना है, 676। तो ऐसे भी आपको लग रहा होगा कि आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछा है वो आगे बढ़ते हैं, तो पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। तो क्वेश्चन 7 में बोल रहा है, एक वस्तु 22% हानि, 22% हानि पर 7,020 रुपया में बेची गई, रुपया में बेची गई, बेची गई। तो वस्तु का क्रय मूल्य है, वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, या क्या था क्रय मूल्य था। तो ऑप्शन है 8,500 रुपया, दूसरा ऑप्शन है 9,000 रुपया, और नेक्स्ट ऑप्शन है सी नंबर 9,500 रुपया, और डी ऑप्शन है आपका 10,000 रुपया। तो अब आसानी से बना सकते हैं, देखिए सबसे पहले क्रयमूल निकालना है, और हानि दिया हुआ 22%। गाइस कितना दिया हुआ हानि, 22%। हानि का अर्थ हो गया कि कोई भी वस्तु को वो अगर 100 रुपया में खरीदता था, तो 22 रुपया का हानि हो गया, तो कितना में वो सेलिंग कर देगा, यानी एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग एसपी मतलब सेलिंग प्राइस मेरे दोस्तों। तो सेलिंग प्राइस जैसे हो जाएगा, तो 22% हानि हुआ, यानी बेच कितना में देगा वो आपका, बेच देगा 78 रुपया में बेच देगा, यानी 78% में वो आपका एसपी हो जाएगा। और 78% का वैल्यू दिया हुआ गाइस, 78% का वैल्यू दिया हुआ है 7,020 रुपया, कितना हो जाएगा, तो आपका सीपी निकालना, मैंने क्रयमूल निकालना है, तो क्रयमूल अपने आप में कितना होता है दोस्त, तो होता है 100%। तो 7,020 अब बटे 78 गुना 100 हो जाएगा, जैसे ही हम लोग कटा देंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 4 एकम 4, यानी कितना हो जाएगा 39 से में बार में 2 से कटा देंगे, ये 50 बार में कटा देंगे, फिर 13 से ये कट जाएगा गाइस, कितना होता है 65 और 5, हाँ 13 3 39 और 13 5 65 और हो गया यहाँ पे 5, 13 4 52, 540, 3 से फिर कट जाएगा गाइस, तो 180 और 18 5 कितना होता है 90 और 2 0, 9,000 रुपया में वो उसका क्या था, क्रय मूल्य था। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझा देते हैं। 22% हानि का मतलब होता है, अगर कोई वस्तु अगर 100 रुपया में खरीद रहा है, तो उसका मतलब 22 रुपया की हानि हो रहा है, यानी वो बेच कितना में देगा, 78 रुपया में, यानी 78%, और उस 78% का वैल्यू दिया हुआ है दोस्त 7,020 रुपया, यानी 78% 7,020 रुपया है। तो 100% अभी हम क्रय मूल्य बताए थे,
तो क्रेमुल कितना हो जाएगा आपका 9,000 रुपया हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे बेटर वे में, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा एक आयत जिसकी लंबाई 15 मीटर, 15 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर है, और चौड़ाई 9 मीटर है, 9 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, एकदम सिंपल है आपका, 42 दिया हुआ है, 42 वर्ग मीटर आपका दिया हुआ है, 144 वर्ग मीटर आपका दिया हुआ ऑप्शन, 108 वर्ग मीटर, और ऑप्शन डी है आपका 225 वर्ग मीटर। तो देखिए गाइज, आपको ज्यादा फिर मैं यही बोलता हूँ, किसी भी चीज को मैथ हम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एकदम समझना होगा। आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल यानी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी होता है, और लंबाई कितना दिया हुआ 15, और चौड़ाई कितना दिया हुआ 9, तो 15 नंबर कितना होता है 135, और 135 आपका ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, तो 15 नंबर 135, तो 15 नंबर 135 हो ही नहीं रहा है, तो 15 नंबर 135, सॉरी गाइस, यहाँ पे दिया हुआ था जिसका विकर्ण दिया हुआ था गाइस, तो जिसका विकर्ण 15 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर है, तो आपका आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले जैसे ही हो जाएगा तो आपको क्या दिया हुआ है, विकर्ण, विकर्ण का मतलब होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर, और यही एच विकर्ण होता है, तो दैट मींस क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 225, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, और चौड़ाई गाइस दिया हुआ है एल स्क्वायर, और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 स्क्वायर बराबर 225। अब जैसे ही एल स्क्वायर निकालिएगा गाइस, 225 में 81 चल जाएगा तो 144 हो जाएगा, और इसका मतलब एल का मान हो जाएगा 12। और देखिए इतना लंबा करना नहीं है, ये थोड़ा मेथड लंबा है, लेकिन जैसे ही हम एक ट्रिक बता देते हैं M2 मेथड, आपका जैसे ही देखिए 15 आपका विकर्ण दे दिया है, 15 जैसे ही विकर्ण दे दी तो कॉम्बिनेशन होता है 9, 12, 15 का, क्या हो जाएगा 9, 12, 15 का, और सबसे बड़ी भुजा ही विकर्ण होती है, दैट मीन्स आपका एल और बी निकल गया, तो दैट मीन्स क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 9 × 12, दैट मीन्स 108। तो आराम से समझ सकते हैं आप, इसमें भी एल और 12 निकल गया और चौड़ाई तो दिया हुआ है, तो आप आराम से बना सकते हैं, और 8 क्वेश्चन आपको क्लियर में समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है, यदि यदि 5x + y = 44 और y − 6x = दिया हुआ −11, तो y बराबर व्हाट, तो y का मान दिया हुआ ऑप्शन में 5, 17, और उसके बाद दिया हुआ है आपका 19 और है आपका 30। तो जैसे ही आपका दिया हुआ है आपका, आप सबसे पहले इसको बढ़िया से लिखिए, 5x + y = 44 और आपका −6x + y दिया हुआ है −11, तो दैट मीन्स यहाँ पे घटाने पर जैसे ही कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा मेरे दोस्त, 11x यहाँ पे हो गया 55, तो x का मान कितना हो गया 5, तो x का मान 5 है, लेकिन y का मान निकालना तो आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे रख देंगे, देखिए 11, 6, 5, 30 उधर चल जाएगा, तो हो जाएगा 30 में 11 गया 19, यानी y का मान कितना हो जाएगा 19, यही आपका क्या हो गया जवाब हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आज हम लोग 9 क्वेश्चन का सवाल का जवाब दिए, मैंने बोला था 10, लेकिन आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आज का वो कमेंट बॉक्स में डालिए, उसके बाद मैं फिर डिसीजन लूंगा कि मुझे क्या करना है, और अगर नहीं भी अच्छा लगेगा तो सिर्फ आपको क्या करना, रेगुलर फिर भी वीडियो को देखना है, क्योंकि आपको एनटीपीसी निकालना है, तो मैं इसी प्रकार मैथ का, रीजनिंग का, हर तरह का वीडियो का सोल्यूशन दूंगा, बसरते आपको क्या करना है, विक्रम ट्यूटर को अधिक से अधिक पसंद करना है, और आपको क्या प्रॉब्लम ऐसा है जो आप सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं, मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं हर एक तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और एक चीज मैं बता दूं कि मैं ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो मैं क्वालिफाई नहीं किया हूँ, बस एक एग्जाम ऐसा है जो यूपीएससी, जो मैंने एग्जाम ही ज्यादा नहीं दिया,
और मैं बाकी सभी एसएससी हो, चाहे वो सीजीएल का, चाहे सीजीएल एलडीसी एमटीएस या कोई भी एग्जाम, रेलवे, बहुत सारे एग्जाम को क्वालिफाई किया हूँ। तो बस आपको क्या करना है, आप लोग को भी क्वालिफाई करवा दूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को फॉलो करना है। चैनल का नाम तो आप जानते भी होंगे, विक्रम ट्यूटोरियल बीडी फॉर ऑल, यानी इस चैनल में आपको हर तरह का चीज मिलेगा। बस कीप वॉचिंग, वी कीप लर्निंग एंड ऑलवेज बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।